परियोजना। चल लिखते हैं। सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे कि तुंग भद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंग भद्रा नदी पर है। हाँ, नदी का नाम वही तुंग भद्रा ही है। देखो, तुंग भद्रा नदी, तुंग भद्रा नदी पर ही स्थित है। उनके बाद ये किसकी सहायक नदी है? बोलो, किसकी सहायक नदी? तुंग भद्रा नदी जो है ना, नदी का नाम पूछे तो तुंग भद्रा ही बोलना। क्योंकि किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। किसकी बताओ? हाँ, कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है, समझा? कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है, तुंग भद्रा, क्या तुंग भद्रा परियोजना? नामे से पता चलता है तुंग भद्रा परियोजना तुंग भद्रा नदी पर ही स्थित है। समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट आगे लिखो। तो तुंग भद्रा परियोजना किस नदी पर है? राज्य का नाम पूछे तो याद रखना, राज्य जो है इसमें ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताओ? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में ये तुंग भद्रा परियोजना है। तो ये तुंग भद्रा परियोजना में कितना किलोवाट बिजली उत्पादन की जाती है? लिखो, 1,00,000। कितना? 1,00,000 किलोवाट, 1,00,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। 1,00,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। ये जो चीज़ दिया हुआ है, इतना सा से हम नहीं लिख सकते हैं। 10th के एग्जाम में मात्र 2 अंक पूछा जाता है कि कहेगा तुंग भद्रा परियोजना के बारे में आप संक्षिप्त टिप्पण नहीं लिखें, मात्र 2 अंक देगा। तो नहीं लिख सकते हैं यह जो है तुंग भद्रा नदी पर स्थित है, यह कृष्णा की सहायक नदी है, यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ 1,00,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। समझ पा रहे हैं ना? आंध्र प्रदेश में यह है तो सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। ऐसे हम लिख सकते हैं आराम से। तो इतनी सा से हम पूरा हम तुंग भद्रा परियोजना लिख सकते हैं। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है किस नदी पर है, कृष्णा नदी की सहायक नदी।